स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फंटेसी टूर दर्शन पे। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में क्रेग सेक्शन का एक शानदार मैच की प्रेडिक्शन की। तो जे मुकाबला खेला जाएगा सेंट्रल पंजाब और साउथ हारन पंजाब के बीच में। नेशनल पाकिस्तान की एक लीग है T20 कप, जिसका ये सेकंड मुकाबला होगा। दोस्तों पहले तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस मैच की जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ना आपके लिए रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम पर जुड़ना बेहद आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक नीले रंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक के साथ ज्वाइन हो जाएगा मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, बट इसके जो बेनिफिट है आपके लिए बड़े रहेंगे, जहां पे क्या है कि आप पा सकेंगे क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, बेसबॉल, NFL सभी तरह की टीम। सो देरी ना करते हुए ज्वाइन हो जाइएगा। दोस्तों ये मुकाबला मुल्तान के क्रिकेट क्लब ग्राउंड मुल्तान में खेला जाएगा, जहां की जो पिच है हमेशा से बल्लेबाज सपोर्टिव रहती है। आज के मुकाबले में बहुत कम चांस रहेंगे विकेट के गिरने के, ज़्यादा हाईएस्ट रन हमें देखने को मिलेगा। ग्रेट बैटिंग जहां पे देखने को मिलेगी, तो इसकी जो बिटनेस है दोस्तों वो रिसेंट खेली गई 3 इनिंग है जो PCL 2020 में खेली गई थी, जहाँ पर 170 के आसपास का स्कोर देखने को मिला था। तो यही रीजन है कि फास्टिंग है, हमें 170 के आसपास का स्कोर जरूर देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग टीम पर आते हैं, तो पहले दोस्तों जहाँ पर 3 मुकाबला जो PCL का खेला गया है उसमें वॉन किया है 1 मुकाबला, चेज करने वाली टीम ने 2 लॉस्ट कर चुकी है। तो जहां पे एवरेज टीम बना के चलेगा, टीम है जो पहले बॉलिंग करेगी उसके पक्ष में कम टीमें बनाएगा, तो चेज करने वाली जो टीम है दोस्तों उसके कम चांस रहेंगे वॉन करने के। पहले बैटिंग जहां पे अच्छी रहती है तो बैटिंग वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट में रखिएगा, जो टीम पहले बल्लेबाजी करने आएगी उसके पक्ष में ज्यादा टीमें बना लीजिएगा, उसके वॉन करने के चांस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो बात करते हैं आज के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। पॉसिबल प्लेइंग में हमें दोनों साइड से कैसी पॉसिबल प्लेइंग देखने को मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। सेंट्रल पंजाब के लिए खेलेंगे कमराना अकबर, बाबर आजम, आबिद अली, रिजवान हसन, फहीन आफरीन, बिलाल आसिफ, नसीम शाह, उशमन कादिर, अहमद वाशिर, शाद नाशिम, अब्दुल्ला शादिक। तो ऐसी रहेगी कुछ प्लेइंग 11 सेंट्रल पंजाब की। साउथ हारन के लिए खेलते हुए नजर आएंगे जहां पे जीशन अशरफ, शान महसूद, शोएब मकसूद, खुशदिल शान, हुसैन ताहिल, इनके अलावा आमिर आमिन, बिलबल बट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इरफान, जाहिद महमूद और राहत अली। तो ऐसी रहेगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अगर कोई चेंज होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अब बात करते हैं टॉपिक आपकी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, कोई चीज़ के मत कीजिएगा वरना आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो टॉपिक अपने जहाँ पे रहेंगे विकेट कीपर बाबर आजम, आपल अली, फहीन अशरफ, इनके अलावा कमराना अकमल, शान महसूद, राहत अली। तो ऐसी रहेगी दोस्तों पिक टॉपिक अब हमारी, जिसमें बाबर आजम जो कि दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इंडिया के क्लासिकल प्लेयर्स में इनका नाम आता है, बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, ओपनिंग करने जब आते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, यही रीजन है कि ये जाने जाते हैं बैकबोन टीम पाकिस्तान की। तो इनके अलावा जो आबिद अली है दोस्तों, आबिद अली भी एकमात्र ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो 44 T20 में 779 रन बना चुके हैं, अच्छी पिकअप रहेगी। इन्हें भी चेज करना काफ़ी अच्छा लगता है, जब ये चेज करने उतरते हैं इनकी स्ट्राइक रेट है 150 के ऊपर की चली जाती है, 160-165 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो इनका साथ जहाँ पे फहीन अशरफ, ये भी एक बढ़िया पिकअप रहेगी दोस्तों, ज़्यादातर मैचेस में ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं, 3 या 4 नंबर पे खेलते मिल जाएंगे। लास्ट ईयर इसी टूर्नामेंट में इन्होंने 4 मैचेस खेले थे जिसमें 8 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी और बल्ले के जरिए भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे, बॉलिंग और बल्ले दोनों से आपको अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। तो फहीन अशरफ को भी अपने टॉपिक में जरूर रखिएगा। इसके अलावा कमराना अकमल जो कि विकेट के पीछे भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, विकेट के आगे भी, ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें ज्यादातर लोग जरूर सेलेक्ट करेंगे और डोमेस्टिक लीग में दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस का रहता है। कमराना अकमल जिन्हें 3 ओवर ओपनिंग करना काफी अच्छा लगता है, ओपनिंग करते हुए 2 50 लगा चुके हैं और इसके अलावा नंबर 3 पे खेलते हुए 1 50 लगा चुके हैं। जब इनका बैटिंग ऑर्डर लेट आ जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक हो जाती है। अगर ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे तो कमराना अकमल को जू ट्राई कीजिएगा, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर लोअर में आता है तो दोस्तों इस प्लेयर को ड्रॉप करना आपके लिए समझदारी की बात भी कहीं ना कहीं जरूर रहेगी। कमराना अकमल जो कि 9 लीग स्टेज पे 9 मैच खेल चुके हैं जिसमें 255 रन बना चुके हैं, अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया एवरेज अगर देखें तो 34 रन की एवरेज निकलती है इनकी हर मैच की। दोस्तों सैम मशहूर जो कि रिसेंटली PCL खेल के आ रहे हैं जिसमें 8 इनिंग 250 स्कोर बनाया था, अच्छी पिकअप रहेगी। शान मशहूर ने टॉप ऑर्डर में खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, रन की जड़ी लगा देते हैं, चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं, जब जब ये क्रीज पे आते हैं चौकों छक्कों के जरिए भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। इनके अलावा लास्ट में जहाँ पे राहत को पिकअप करेंगे, राहत एकमात्र ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं टीम पाकिस्तान के लिए, अभी तक 9 मुकाबला में 8 विकेट ले चुके हैं। काफ़ी सारे बल्लेबाज जो राहत को रोककर खेलते हैं और उनकी पटाई करते हैं, इनको ईगो भी काफ़ी अच्छी रहती है, लगभग 6
6.43 की इको के साथ बॉल फेंकते हैं, डेथ ओवर्स फेंकते भी मिल जाएंगे। डेथ ओवर्स में क्या होता है, बल्लेबाज खोलकर खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं जिसके चलते ही विकेट गिरने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं, और रिसेंटली PCL खेल के आ रहे हैं तो अच्छी क्लासिकल फॉर्म में आ रहे हैं। दोस्तों अभी करेंगे बात ड्रीम इलेवन की टीम की, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम के लिए सीधा ले चलता हूँ आपको ड्रीम इलेवन की ऐप पर। दोस्तों विकेट की प्रशिक्षण से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे पिकअप करेंगे दोनों को, अकमल और आशिफ दोनों CPL खेल के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्लासिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और मेन बात टॉप ऑर्डर पे खेलते मिल जाएंगे, ऊपर बल्लेबाजी आने के चांसेस रहेंगी। बैटिंग ऑर्डर में जहाँ पे पिकअप करेंगे मसकूत को, बाबर आजम को, इनके अलावा एस मसूद और कुसदिल, दोस्तों चारों बढ़िया पिकअप रहेगी, अच्छी पिकअप रहेगी, चारों के साथ जाना एक समझदार की बात रहेगी। बाबर आजम और शाह मसूद दोनों ओपनिंग करते मिल जाएंगे, इनके अलावा मसूद नंबर 4 पे खेलने आएंगे, कुसदिल जो कि मिडल ऑर्डर में नंबर 5 पे खेलने आते हैं, इन्हें दोस्तों चेंज करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। कुसदिल जब जब क्रीज पे आते हैं तो अच्छा रोल अदा करते हैं, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप नजर आता है तो जहाँ पे कुसदिल शाह हमारे लिए अच्छी पिकअप रहेगी। बाकी दोस्तों MAS के खेलने के चांसेस नहीं है, रिजवान के नहीं है, बाकी किसी के खेलने के चांसेस नहीं है, अगर लगा रखा है तो ड्रॉप कर दीजिएगा। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में जहां पे पिकअप करेंगे दोस्तों एक स्पिनर और एक ऑफ ब्रेकर को, तो जहां पे ताहत को पिकअप करेंगे बी आशफ ऑफ ब्रेकर आ जाते हैं, ताहत में मीडियम फास्ट बॉलर आ जाते हैं ताहत, तो दोस्तों दोनों को ट्राई करेंगे, दोनों का जो बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों वो टॉप में आ जाता है, नंबर 3 पे जहां पे आसिफ खेलते मिल जाएंगे और नंबर 4 रहता है बैटिंग ऑर्डर टीम दोस्तों साउथ पंजाब के लिए ताहत का, तो दोस्तों दोनों पिकअप अच्छी लगी। ताहत अपने 5 मुकाबले में 2 हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, तो जहां पे बी आशफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, 8 मुकाबले में 5 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, तो अच्छी खासी पिकअप दोनों रहेंगे, दोनों को ट्राई करेंगे जहां पे हम। तो बात करते हैं अभी बॉलिंग जोन की, बॉलिंग जोन में यहां पे पिकअप करने वाले हैं फास्ट बॉलर आवास को, जो कि अपने लास्ट 10 मुकाबला में 9 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पिकअप करेंगे नसीम शाह और इनके अलावा दोस्तों जहां पे राहत अली, तीनों फास्ट बॉलर आ जाते हैं, पिच को ध्यान में रखते हुए अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी तीनों के तीनों आपको। डेथ ओवर्स देखते मिल जाएंगे, डेथ ओवर्स में क्या होता है वो दोस्तों आपको भी जानते हैं। तो अभी बात करते हैं कैप्टनशी ऑप्शन की, कैप्टनशिप में दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने जो ट्राई कर रखा है वो लिस्ट में बाबर आजम का नाम आता है, इनके अलावा दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने जहाँ पे ट्राई कर रखा है शान महसूद को, और दोस्तों जहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं जो ट्राई करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में से दोस्तों वो रहेंगे आशिफ को। तो दोस्तों इन प्लेयर को आप तभी ट्राई कीजिएगा अगर आप ग्रैंडली खेलना चाहते हैं, इनकी कॉस्ट सेलेक्ट रेट है जो बहुत ज़्यादा है। अगर आप हेड टू हेड खेलना चाहते हैं तो बाबर आजम और शाह मसूद दोनों अच्छी पिकअप रहेगी, नंबर 3 पे जहां पे बी अशफ को लगा लीजिएगा, अगर ये बल्ले से फ्लॉप नजर आते हैं तो बॉलिंग के जरिए आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप ग्रैंडली खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राई कीजिएगा जहां पे आशरफ को, अशरफ के साथ दोस्तों मसूद अच्छी पिकअप रहेगी, और दोस्तों जहां पे आवास को ट्राई कर सकते हैं, जो भी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनके अलावा बाबर आजम और मसूद को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रिस्की टीम नहीं बनाते तभी दोस्तों इन प्लेयर को ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं जहाँ पे बाबर आजम के साथ शान मसूद को ट्राई करूँगा अपनी टीम में, तो दोस्तों जे है मेरी पूरी टीम एक बार पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, जे है जो टीम मैं आपको देता हूँ मैं खुद भी वही लगाता हूँ, अगर हारेंगे साथ में तो जीतेंगे भी साथ में। फाइनल टीम के लिए वेट कीजिएगा लाइनअप शॉर्ट होने का, फाइनल टीम मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।